Morning everyone, today I discussed about adaptation to stress, the flowchart of resistance reaction. यानी कि रेजिस्टेंस रिएक्शन में क्या होगा, हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाए. जैसे कोई स्ट्रेसर है, जैसे स्ट्रेसर आप जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमें स्ट्रेस दिला रही है, ठीक है. ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो होगा ये 3 हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा. जैसे CRH कॉर्टिको ट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, TRH थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है. और ये क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को. और एंटीरियर पिट्यूटरी जो करती हैं ये रिलीज करती हैं 3 हार्मोन को, जिनका नाम है ACTH मींस एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एंड सेकंड इज GH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंड थर्ड इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, अब देखते हैं ACTH किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, और एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एड्रेनल हार्मोन को जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड नामक हार्मोन है, ठीक है. अब देखिए जो यानी कि यह GH हार्मोन जो होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है लीवर को, ठीक है. एंड TSH हार्मोन स्टिमुलेट, जिसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड. ओके, अब यहाँ पे जो आपका एड्रेनल हार्मोन जो है ये ऑक्यूपाइज इट फेयर्स टू फाइट द स्ट्रेस स्पेस. पहले इसको हम देख लेंगे फिर देखते हैं, ठीक है. यानी कि ये क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है एड्रेनल हार्मोन रिलीज करता है, बस इतना भी जानिए. ओके, बाद में फिर बताते हैं. अब जो यानी कि जो लीवर को स्टिमुलेट कर रहा है ये GH, ये क्या करता है, सप्लाइज एनर्जी थ्रू ग्लाइकोनियोजिनेसिस एंड इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ठीक है. यानी कि यहाँ पे ग्लाइकोनियोजिनेसिस स्टार्ट होता जाता है. जैसे कोई व्यक्ति जैसे कि डर रहा है, ठीक है, या ऐसे कोई जैसे कि दौड़ रहा है, सपोज करिए उसके पीछे क्या कुत्ता भाग रहा है और वो दौड़ रहा है, तो जब दौड़ रहा है तब उसका क्या होता है, मतलब इरिथ्रोफोरेसिस स्टार्ट हो जाता है. और जिसके लिए क्या होना चाहिए, उसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना होगा, और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन जब वो लेता है तब ग्लूकोज टूट करके ATP में कन्वर्ट करता है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, भाग रहा है. ओके, तो ये हो गया. तो नेक्स्ट ये थायराइड ग्लैंड जो होता है सप्लाइज एनर्जी थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यानी कि ये क्या कर रहा है, यानी कि एनर्जी तब सप्लाई हो रहा है जब कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. ओके, मतलब जैसे कुत्ता पीछे भाग रहा है और हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, तेजी तेजी सांस ले रहे हैं, मतलब ग्लूकोज को आप तोड़ने के लिए एनर्जी बना रहे हैं. ओके, और क्या नाम है, एड्रेनल मेडुला जो होता है आपके रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है. ओके, इस प्रकार से फ्लो चार्ट ऑफ क्या नाम है, रेजिस्टेंस रिएक्शन हम देखते हैं. ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब.